नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 6 की गणित अभ्यास 5-6B। ठीक है, अभ्यास 6B है और चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि उसके अंश और हर में 5 जोड़ दे तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या होती क्या है, ये कहा गया है कि परिमेय संख्या, तो यहां पर लिखेंगे माना। माना क्या मानेंगे, उसने साफ साफ कहा अंश उसके हर से 3 कम है। इसका मतलब हमें हर तो पहले पता हो, तो लिखेंगे माना परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का हर क्या मान लेते हैं, x मान लिया तो अंश क्या हो जाएगा। उसने साफ साफ कहा यह है कि अंश उसके हर से 3 कम है, यानी x से कितना कम है, 3 कम है। अब हमारी परिमेय संख्या क्या होगी, तो लिखेंगे परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या हो जाएगी, अंश बटे हर होती है, तो अंश हो जाएगा आपका x माइनस 3, हर हो जाएगा आपका x। अब यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार जो उसने कहा है, उसने कहा है कि जो संख्या है परिमेय संख्या, ये आपका अंश है, ये हर है, उसमें 5 जोड़ दे, किसमें, अंश और हर दोनों में। तो हमने यहाँ पर भी 5 जोड़ा और यहाँ पर भी 5 जोड़ा, तो इसका जो मान है किसके बराबर हो गया, नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। संख्या ज्ञात करनी है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x, 5 में से 3 जाएगा प्लस का 2, बटे में x प्लस 5 बराबर 3/4। अब इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए इसमें गुणा करेंगे, दोनों में गुणा हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 4 × 2 = 8 बराबर, ये हो जाएगा इसका इधर गुणा करेंगे 3x और प्लस का 3 × 5 = 15। तो x वाली संख्या एक तरफ करेंगे, x वाली संख्या एक तरफ करेंगे, गिनती को एक तरफ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x बराबर 15 - 8। तो 4 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा x बराबर 15, से 8 घटेगा तो आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू तो हमें 7 प्राप्त हो गई, लेकिन हमें हमारी परिमेय संख्या क्या है उसे हम ज्ञात करेंगे। तो संख्या बराबर परिमेय संख्या भी क्या है, x माइनस 3/x, जिसमें से x की वैल्यू आपकी 7 है, 7 - 3/7, तो 7 से 3 जाएगा 4/7 आ जाएगा 7, ये हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या। ठीक है, उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे के जो चैप्टर हैं उसमें आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन हिंदी वाले देखने को मिलेंगे, इन्हें हम इबारती प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दो। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर दो में हम लोग सीखने, आज हम सीखने वाले हैं क्या, वज्र गुणनखंड विधि। तो देखिए इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर यहाँ पर लिखा गया है 11x प्लस 7 बटे में 22x प्लस 13 बराबर 6/7। ठीक है, इसका हमें करना क्या होता है, वज्र गुणनखंड विधि में क्या करना होता है कि तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 7 का गुणा इधर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 11x प्लस 7 और 6 का गुणा इस हर वाली संख्या में हो जाएगा 22x प्लस 13। तो अब हम 7 के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 × 7 = 77x
प्लस 7 × 49 बराबर 6 के अंदर गुणा करेंगे, 6 × 12 = 2, 6 × 12 = 13, एक्स प्लस 13 × 6 = 78। अब एक्स वाली संख्या को हम एक तरफ करेंगे और केवल गिनती वाले को एक तरफ कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 77 × −132 = 78 − 49। तो अब इसको घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, देखिए 12 से 132 से 77 घटाएंगे तो 12 से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 12 से 7 घटाएंगे 7 × 5 = 12 यानी 5 आएगा, ठीक है। अब ये बचेगा आपका 12 से 7 घटेगा फिर 5 आ जाएगा, वो भी किसका, माइनस का 55 आएगा और x रहेगा बराबर में घटाएंगे तो देखिए 18 से 9 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, बचेगा 6, कितना बच जाएगा 6, 6 में से 2 घटेगा, 6 में से 4 घटेगा तो आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये तो आपका आ गया 29 और यहाँ से आ जाएगा x बराबर 29 − 55। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं x बराबर माइनस को ऊपर लगा देंगे, −29/55 ये होगा आपका आंसर, ठीक है। तो पहले नंबर का क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, उम्मीद है कि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मतलब क्वेश्चन का एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एक सॉल्व हुआ, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप कोशिश कीजिए कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलिए ताकि यही आपकी फेयर तैयार होती रहेगी और आपको स्कूल में भी यही फेयर काम आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है दूसरा क्वेश्चन, 4 + 7x और उसके बाद है 6x + 2 बराबर में है 11/12। तिरेक मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा और 4 + 7x = 11 का भी गुणा नीचे वाली संख्या में हो जाएगा 6x + 2। 12 गुणा करेंगे तो 12 × 48 + 12 = 84, x = 11 × 66 − 66 एक्स आ जाएगा और 11 × 22 आ जाएगा। तो एक्स वाली संख्या एक तरफ करेंगे, वाई वाली संख्या एक तरफ कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 84x − 66x इतनी धन से ऋण में आ जाएगा, बराबर में है आपका 22 और ये धन से ऋण में चला जाएगा 48। तो घटाएंगे तो 14 में से 6 घटाएंगे हासिल लेंगे, 14 जाएगा 14 6 जाएगा 8 6 14 8 आएगा, बचेगा 7 में से 6 जाएगा तो 1x बराबर, इसको घटाएंगे 48 से 22 घटाएंगे, ठीक है। तो 8 से 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 4 से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, वो भी माइनस का। तो यहाँ से आ जाएगा x = −26/18, काटेंगे इसको 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, जिससे x = −13/9 ये होगा आंसर, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, बचता है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखने के लिए पहले आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद आप आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए, तब तक हम क्वेश्चन को नोट करेंगे। क्वेश्चन को नोट करते करते आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए क्या आंसर आएगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है, 3/4 बराबर में है 9 + 8x / 2x + 6। तिरेक मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका भी आंसर आ गया हो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर दे, ठीक है। तिरेक मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का गुणा हो जाएगा 2x + 6 के साथ
और चार का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा चार नौ प्लस आठ एक्स। अब तीन का अंदर गुणा करेंगे, तीन दूनी छः एक्स, तिछंग अट्ठारह, और चार नए छत्तीस प्लस आठ चौको बत्तीस एक्स। तो ये हो जाएगा छः एक्स, एक्स वाले संख्या को बाहर इधर लाएंगे बराबर के इस पार, तो ये हो जाएगा बत्तीस एक्स बराबर छत्तीस माइनस अट्ठारह। अब इसको घटाइए, बत्तीस से छः घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, छब्बीस आ जाएगा, वो भी माइनस का छब्बीस एक्स, ठीक है। और इसे घटाएंगे तो अट्ठारह आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स बराबर अट्ठारह बटे माइनस का छब्बीस। इसको काटेंगे, दो नहीं अट्ठारह, दो इकन्नम दो, दो त्याही छः, जिससे यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें प्राप्त हुई। इस माइनस को ऊपर लगा देंगे तो हो जाएगा नौ बटे तेरह। ये होगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर दूसरे का, तीसरा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और बचता है, वो है क्वेश्चन नंबर तीन। बहुत बेहतरीन तरीके क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर एक के जैसा ही वो क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर तीन देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि एक भिन्न का हर उसके अंश से तीन अधिक है, यदि अंश और हर दोनों में पाँच जोड़ दिया जाता है तो उसका मान चार बटे पाँच हो जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एक बात माननी है, क्या माननी है, यहाँ पर साफ साफ कहा है कि जो हर है उसके अंश से तीन अधिक है, तो पहले हमें अंश तो पता होना चाहिए। तो लिखेंगे माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश क्या मान लेंगे, x। अब भिन्न क्या होती है, भिन्न या परिमेय संख्या एक ही है जिसमें अंश और हर दोनों मौजूद हों, ठीक है। तो हर कितना हो जाएगा, लिखेंगे हर बराबर, उसने कहा हर उसके अंश से, अंश से कितना अधिक है, तीन अधिक है, तो हमने अंश से तीन अधिक कर दिया, ठीक है। अब लिखेंगे भिन्न, अब हमारी भिन्न क्या बनकर तैयार होगी, भिन्न अंश बटे हर होती है, तो अंश हो जाएगा x, हर हो जाएगा x प्लस तीन। अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, यानी ये आ जाएगा x बटे x प्लस तीन। उसने कहा है कि अंश और हर दोनों में पाँच जोड़ दें, तो अंश में हमने पाँच जोड़ दिया, हर में पाँच जोड़ दिया, तो कहा गया उसकी जो नया मान है वो हो जाता है चार बटे पाँच, यानी इसका मान चार बटे पाँच हो जाएगा। इसे आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स प्लस पाँच बटे एक्स प्लस आठ बराबर चार बटे पाँच। यहाँ पर बजगुणनखंड विधि लगाएंगे यानी तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाँच का इन दोनों के साथ गुणा होगा तो हो जाएगा पाँच एक्स प्लस पाँच पचास पच्चीस बराबर, ये हो जाएगा चार एक्स प्लस चार अठे बत्तीस। एक्स वाली संख्या में एक तरफ कर लेंगे, धन सेड में आ जाएगा, और ये आपके पास रहेगा बत्तीस माइनस पच्चीस, तो पाँच में से चार जाएगा तो एक्स केवल बचेगा, बत्तीस से पच्चीस घटाएंगे बारह में से पाँच जाएगा, कितना आ जाएगा सात, यानी एक्स की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई सात। अब हमारी जो भिन्न है वो भिन्न क्या होगी, भिन्न पूछा गया, भिन्न क्या बनी थी, एक्स एक्स बटे एक्स प्लस तीन, जिसमें एक्स की वैल्यू सात है, और बटे में हो जाएगा सात प्लस तीन, तो आ जाएगा सात बटे दस, ये हो जाएगा आंसर, ये आपकी भिन्न प्राप्त होगी, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि आज की जो क्लास है वो आपको बहुत ही शानदार लगी होगी, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, ठीक है। और अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से हो सके, ठीक है बच्चों। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।